बात है, हम तो भाई इनके बिना सहयोग में हम लोग अधूरे हैं। अब इनके लिए हम इतने कह सकते हैं कि एक तार, तीन तार, चार तार, झपतार लगातार इनके तार, ये जब चाहे हड़ताल करा दे करके जांच पर। ये मालवी नगर के मालवी, ये मालवी, ये नगर के मालवी, ये उसका कमाल। और भजन जागरण या हो जवानी ठोक रहा है, ठोक रहा है ताल ढोलक पे, है कोई ठोक रहा है ताल दुल्हन उठा कर। भाई आपके लिए ये हमारी ओर से श्रद्धा समझ रहा है। आइए, चूंकि अभी जो धुन सुनाई थी उसी धुन पर ढूंढने के लिए फिर से हमें आदेश दिया गया है, इसलिए जो धुन गा करके आए उसी धुन पर। एक समय की बात, जब भगवान लंका विजय करने के पश्चात, देखिए प्रसंग नहीं सुनेंगे तो मामला निकल जाएगा। एक समय की बात, जब लंका विजय के पश्चात भगवान राम अपने राज दरबार में बैठे, जब राज दरबार में बैठे अनायास उन्होंने हनुमान जी से पूछ लिया कि भाई हनुमान एक बात बतलाओ। हनुमान जी ने कहा क्या प्रभु? कहा यार, हमने तुमको लंका में सीता का पता लगाने के लिए भेजा था कि हुआ मार पीट करके कह रहा है। हमने तो नहीं कहा था, अरे हमने शक्ति दिया था, जय श्री राम कहते उड़ के गए और सीता की खोज जब जान लिए थे तो उड़ करके चले आते। इन्नी सा चलन के कचरे के कह रहा, अब तो नहीं कह रहे। हनुमान जी ने कहा प्रभु सो तो जानो मंत्र, यानी आप तो घट घट की बात जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो निश्चित ही इसमें कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि मारपीट क्यों की, तो हम बता दे रहे हैं कि मारपीट क्यों की। और अगर आ जाए कि मारपीट की, तब तो लाइन है। अगर आ जाए लाइन कि मारपीट की, तब भी नहीं पंडा। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब हम लंका में गए हुआ क्या? हमने माता से आदेश लिया, अभी आप लोगों ने सुंदर कांड का श्रवण किया है, माता से आदेश लिया कि माता बड़ी जोर की भूख लगी, अगर आपका आदेश हो तो कुछ फल पा लिया जाए। माता ने कहा ठीक है। तो हमका तो लागी प्रभु की भूख बड़ी जोर से, लगे मारने हमका हुआ
क्वेश्चन दे दिया, क्या मारपीट किया था, जो किया था ठीक किया था, जैसे राम कहते होते चले आते श्रीलंका में आग ही लगा के कह रहा है। हमने तो नहीं कहा था कि लंका में आग लगाएंगे। परम आदरणीय भैया हमारे सोनू प्रजापति जी, जिनकी ओर से 200 प्रति मुद्राएं भगवान गजानन उनके सकल कलेश काटे, उनके घर के भंडार रहे, भगवान गजानन सदा उनके अंत संग रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हनुमान जी ने पुनः दूसरा क्वेश्चन कर दिया, क्या चलो मारपीट किया था, जो किया ठीक किया, जय श्री राम कह के गए थे, जय श्री राम बोलते उड़ते चले आते, आगे लगाओ हम तुम्हें कह रहे। हनुमान जी ने फिर कहा, सो तुम जानो हो अंतर यामी प्रभु, आप तो घर घर की बात जानने वाले हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि लंका में आग क्यों लगाई, तो हम बता दे रहे हैं क्या। हमको बांध करके राज दरबार में लेके आया गया, जब दशारण के सम्मुख ले जाया गया, युक्ति पाके दशानन बोले ललकार के, क्या ये 20 प्रति मुद्राएं भैया सतीश भैया हमारे बड़े भैया पुनः बारंबार लगातार 20 रुपए सतीश भाई राजा की ओर से आशीर्वाद आया है, गजानन सदैव उनके अंतर्संग रहे, यही प्रार्थना है। बांध के हम निशाचर पहुंचे दरबार में, युक्ति पाके दशानन बोले ललकार के, युक्ति पाके दशानन बोले ललकार के, युक्ति बहुत प्यारी होती है, लिहाजा इसकी पूंज में आग लगा दिया जाए। अभी आप जो है सुंदर नाम में कहा कि तेल बोझ परिपान के पूरे पावक देव हो जाए, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया नीति शास्त्रों ने किया, क्या ये नहीं निशाचर तेल लगाए ने नहीं निकला की, क्योंकि भगवान ने पूछा था आग आग क्यों लगाया, आग क्यों लगाया, कोई नहीं निशान